मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर में पुराने बस स्टैंड पर स्थित एक 3 मंजिला कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान मालिक भी बुरी तरह झुलस गया। दुकान मालिक को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस 3 मंजिला दुकान में आग लगी है वह पचोर के बड़े कपड़ा व्यापारी गिरधारी गोयल की दुकान है और दीपावली की रात को कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान में ही सो रहे थे, तभी अचानक अज्ञात कारणों के चलते देर रात को दुकान में भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आने से दुकान मालिक गिरधारी गोयल भी बुरी तरह झुलस गया है, जिसको गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। वहीं आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इस आग की वजह से दुकान में करीब 50 लाख से अधिक का माल जलकर खाक हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने के लिए राजगढ़ जिले से करीब 10 से अधिक दमकल वाहन लगे हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जी सर, बताएं सर, क्या घटना हुई और अभी तक क्या हो चुका है? 5:30 बजे की बात है और पचोर में जो मेन मार्केट है यहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने ये गिरधार चालती रहते हैं, ये भास्कर गोयल वाले जी बताते हैं। तो उनकी यहाँ पर कपड़े की और कुछ प्लास्टिक मटेरियल की काफ़ी बड़ी दुकान थी। उस दुकान में 5:30 बजे करीब आग लगी हुई है। वो आग किस कारण से लगी है वो जाँच का विषय है, संबंध में जाँच की जाएगी। अभी तक क्या कितने नियंत्रण में है? 15-20 फायर ब्रिगेड पूरे जिले से बुलाई गई हैं और जिनसे समय पे आग बुझाने का काम चल रहा है। नगर पालिका की टीम लगी हुई है और सभी प्रशासन के अधिकारी लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कितना वो समय लग जाएगा? अभी यह तो अभी अनुमान नहीं लगा सकते, सब जाँच का विषय है और जल्दी से जल्दी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। नुकसान का कोई आकलन अभी? ये सब जांच में बाद में आ गया, कितना नुकसान है, कितना स्टॉक था उनके पास में, कितने में आग लगी है, तो ये सब जांच के बाद में सारी चीज़ें बता पाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।